बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज की वीडियो में। तो भाई अगेन जर्दा शौक आप लोगों के लिए लेके आया, एक बड़ा ही हैवी शौक जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को आएगा मज़ा, क्योंकि इस टाइम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शुएब के बड़े ब्रीडर बकरे, और जो कि इस टाइम लगे हुए हैं तैयारी पे। ब्रीडर क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा बकरा तब भी बनता है जब वो ब्रीडिंग में रहता है। तो उससे पहले भाई चलते हैं शुएब के पास, थोड़ी सी डिटेल ले लें, देन आपको शौक करवाता हूँ। जो स्टार्ट में आपने सीन देखे, इस तरह के सीन रोज़ रोज़ देखने के लिए नहीं मिलने वाले। जो लोग कहते हैं भाईजान मनों में बकरा चाहिए बच्चा नहीं, तो भाई आज समझ लो कि बच्चे ही लेके आ गए हैं बकरों की खाल में आप लोगों के लिए। तो चलें पहले चलते हैं शुएब के पास। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? यानी दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट, आज कितने से लेके कितने वाला माल खड़ा हुआ है? दो रकमें बतानी है जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे पास 3 से लेकर 7 लाख, 3 से लेकर 7 लाख का माल खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ वजन, वजन तकरीबन कम से कम इस वाड़े में, ये जो मेरा कैमरा इस टाइम दिखा पा रहा है, कम से कम इस वाड़े में कितने वाला बकरा और भारी से भारी कितने वाला? 5 मान, 5 मान। जिंदा के गोश्त? जिंदा 5.25 मान। सब तो होला तीन तो लै के पाँच कर लीए, उतला दोवों का उड़ा दीए। लें जी 3 से लेकर 5 तक के जानवरों को आपको शौक करवाने लगा हूँ। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई कुर्बानी का सीज़न है। जैसे जैसे कुर्बानी तेज़ होती जा रही है वैसे वैसे माल निकलता जा रहा है। और ये मत सोचिएगा कि ये माल इधर ही खड़ा रहना है, ये कभी नहीं हो सकता कि ये माल इधर खड़ा रहे। इस पर अगर ये मंडी में आया है तो किसी के नाम की छुरी लेके आया है, चाहे वो मुनाफे में जाए चाहे वो घाटे में जाए, इसने जाना ज़रूर है। क्यों शेफ साहब, क्या कहते हैं, हर साल कितने जानवर लेके आते हो? तकरीबन 300 जानवर सेल करके जाते हैं हर साल। कितने दिन पहले आ जाते हो? पच्चीस दिन पहले आते हैं और 300 जानवर सेल करके जाते हैं भाई, पहले सेल करके चले जाते हैं ईद से 3-4 दिन पहले, खाली वाड़े और वापसी। लें जी असल जो है ना ब्रीडर का काम अपना होता है, ईद पे ईद के बाद ब्रीडर का काम। लें जी साहिवाल उमेर जो है, हाउ टू एनिमल उमेर यूट्यूब चैनल वाला है, उसमें आपने देखा होगा मेहर चौधरी की वीडियोस में शुएब जो है मंडी में बड़े बड़े ब्रीडर्स लेके खड़ा होता है। और सबसे हैवी ब्रीडर इस टाइम जो है वो शुएब के पास ही है। शुएब बेसिकली बिलोंग करता है गादियाँ 101 तो आरएफ रोड से। तो लें जी अक्सर मंडी में साहिवाल की यही बड़ा माल लेके आता है। तो ये तो हो गया जी इसका इंट्रोडक्शन। शुएब जी सबसे भारी जानवर से नीचे को जाना है, सबसे भारी जानवर जो आपने कहा ना 5 मान का है मेरे पास, उसको निकालो, उससे नीचे जाएंगे भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा कि इस तरह की खूबसूरत ब्यूटियाँ जो है ना रोज़ रोज़ नहीं देखने के लिए मिलती, और ना ही भाई इस तरह के शौक होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, चीज़ें चेक करें कि मैं कहता हूँ बच्चों वाली जो है ना इस टाइम लुक वो इनमें आ रही है। और माशाल्लाह लें जी नागरा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह वाइट आइज, चपटे सींग, कानों की लेंथ देखे बहुत ही ज़बरदस्त। शुएब ये चीज़ तो बताओ, इतना बड़ा बकरा खस्सी में तो नहीं बनता, ये सच है कि गलत है? मतलब खस्सी जेड़ा करा दें देने वो नहीं उठता, जेड़ा ब्रीडर ब्रीडर वड्डा लाए उन्हें खस्सी करवा उठा तो फिर उठा लो, पर इन्हें इत्थे तक पहुंचाने वास्ते ब्रीडर रखना जरूरी है। लें जी माशाल्लाह, एन थोड़ा ही इधर करी यार, और भाई कोई वो चक्कर नहीं है कि जानवर उठ के बैठने से हवादार हों, देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह। अपने मुँह गली से नहीं लाए, गली वाले नहीं, अपने को जानवर होंगे ही नहीं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चेक करें जी अपने मुंह खा रहे हैं अपनी सारी चीज़ें, इनकी चीज़ चेक करें। बोझी किस, ये चने और कनक भाई? चने और गुल्ली, चना कंदम गुल्ली जो कि इनकी खुराक है। और भाई इसके साथ बताता चलूँ, खाली चना गंदम गुल्ली जो है वो नहीं है, इसके साथ आप लोगों को तेल घी दूध दही हर चीज़ मक्खन का यूज़ करना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें बनती हैं। और भाई ये अगर 100 जानवर लगाते हैं ना तैयारी पे, तो 100 तैयारी से मुराद के 100 एक सिलेक्ट करते हैं इधर करने के, तो उसमें से कई अप एंड डाउन बीच में आ भी जाती हैं। इनको हज़म कराना जो है वही सबसे बड़ी बात है, कि इतना बड़ा जानवर हाजमे के बगैर नहीं बनता, और जो जानवर ने खुराक हज़म नहीं करनी तो उसने क्या बनना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गलत ना होगा, 1, 2, 1.5 कर लें जी आप। अगर मैं चौड़ी बड़ी बड़ी करूँ, ये देखें गिट मेरी देखें और सीना चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाजमी के इस तरह की चीज़ों को तैयारी में लाने के लिए बड़ा हो जाता है। लें जी ये 5 मन, ठीक हो गया। रेट्स जी मैं इस वीडियो में नहीं पूछूंगा, बड़े जानवर हैं, अगर कोई भाई लेना चाहे कॉल पे नंबर जो है वो विज मेंशन है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद छोड़ दो, ये कितने मन में है जी डब्बा? हाँ जी लें जी 4.5, माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त पांडा। ये जी कौन सा है, काला अमृतसरी?
प्योर बीतल अमृतसरी है जी, माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, काला डब्बा आप इसको कह सकते हैं माशाल्लाह। वैसे तो अमूमन पांडा लफज इनके लिए यूज़ होता है, और मैं जितनी पीछे जाता हूँ भाई बड़े फ्रेम में बकरों को लाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे फिर बाड़े से बाहर जाना पड़ता है, और बाड़े के मैं बिल्कुल साल लग गया हूँ आगे, तो इसलिए वाइल्ड एंगल में दिखाना पड़ता है जानवर, ताकि आप लोगों को जानवर पूरा नज़र आए। जानवर का जब लाइव आके शौक करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा भाई। यहाँ पे इस तरह की हैवी चीज़ें अमूमन अब आपको देखने के लिए मिल रही हैं। शुएब क्या वज़न है इसका? 4.5 मन सही हो गया। लें जी, पहले 5 मन वाला आपको दिखाया, अब 4.5 वाला आपको दिखा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ठीक हो गया। अगला दिखाओ शेप लें। ज़्यादातर जो है इनके पास जानवर टोटली हैवी वेट है, अब ये देखिए वो 4.5 वाला है और ये इसके साथ आके खड़ा हो गया माशाल्लाह, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और ज़्यादातर मक्खी चीनियों के साथ ना, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह हैवी नागरा ब्रीड। शुएब सबसे ऊंचा कद वाला कितने वाला, हाइट क्या इस टाइम मेंशन अपने पास? इस टाइम 47 खड़े हैं। 47 में कौन सा है? चीना। ये 46 है, ये 46 है नागरा। लें जी कद में देख सकते हैं 46 है और बहुत 46 चौंट। चौंट क्या है जी, इसकी लेंथ है, जैसे अब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये लंबाई जो है ये चौंट फुट है, ओ चौंट इंच है, सॉरी फुट कह गया हूँ, चौंट इंच है, और हाइट जो है वो 46 इंच है। और अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये स्टिक दिखाएँ यार, ये जो हाइट है वो इस तरह मेंशन होती है, ये कमर से लेके इधर से ऐसे, जैसे ये मेरा हाथ है इस तरह नीचे को यूँ पूरी ये हाइट में आएगा, और ये पकड़ो, और जो इसकी वेल है वो यहाँ से लेके ऐसे ये दुम तक, माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। लें जी 46 का जानवर जो है हाइट में, और लंबाई कितनी बताइए वीरे? 64 माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइव वेट क्या होगा, जिंदा वज़न? 5 मान। लें जी माशाल्लाह 5 मान है, चेक करें। अक्सर लोग ये चीज़ चौड़ी देख के ना एक शोर डाल देते हैं, डबल हड्डी डबल हड्डी डबल हड्डी, तो लोगों को तो यही भी नहीं पता कि हड्डी है किस चीज़ की जिसका वो शोर डाल देते हैं। डबल हड्डी यहाँ पे नहीं होती, डबल हड्डी का बहुत कम लोगों को पता है माशाल्लाह। झालर चेक करें, फेस ब्यूटी चेक करें, वाइट आइज चपटे सींग, कानों की लेंथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। ये चीज़ें जड़ ढूंढता है जड़ का शौक, कि भाई शौक हो तो ऐसा हो, अगर ना जानवर ना 12 महीने दी तो शौक वाले जानवर हो, सही ज़बरदस्त हो गया, शौक वाले जानवर ही हैं। लें जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। शुभिया थोड़ा सा इसको चला यार इस तरफ ज़रा, बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी माशाल्लाह कमाल चीज़। जी शुएब डॉन अब कौन सा लाए हो, नागरा? लें जी माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, बद सिंगों में है, मैं इन सिंगों को लाइक नहीं करता, शो भी माइंड ना करी पर्सनली, कोई भी जो शौकीन आदमी वो इतने लंबे सिंग बदामी सिंग छोटे चपटे, मगर ये सिंगों में आगे जानवर ने बड़ा वेट मारा है। कानों की लेंथ चेक करें, बहुत ज़बरदस्त झालर सीना, मैं कहता हूँ कमाल, अल्लाह खैर करे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यार, गलत ना होगा, ऐसे जैनमन बच्चों वाले सीने हैं, इस तरह की बच्चे होते हैं जिस तरह की आज माशाल्लाह बकरों का शौक हमें देखने के लिए मिल गया। और माशाल्लाह लाजमी की एक अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए ऐसी चीज़ों को, और जिन जिन भाइयों के इस पे तकबीर अल्लाह पाक ने लिखी हुई है वो अपनी फ़राइज से अदा करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी शौकीन भाई ऐसे हैं जो बड़ी कुर्बानी करते हैं, वो देख के शुएब से रब्ता भी करेंगे, शुएब के पास भी आएंगे। शुएब एक मरतबा फिर नंबर बोल दो यार, 0312-0312-14-64-820-14-64-820। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे है भाई, शुएब आपको लोकेशन भी शेयर कर, लोकेशन शेयर कर दोगे शुएब यहाँ की? ठीक हो गया, लाहौर बकरा मंडी शाहपुर कांजरा में जब आप लोग आएंगे, मैं हमेशा बताता हूँ ये पूल ख़त्म हो उस प्लाट में एंटर होते ही शुएब का पहला वाड़ा, तवेले के सामने अमरूदों वाली हवेली में पहला बाड़ा जो है वो शुएब का है, जैसे स्टार्ट में भी आप लोगों को मेंशन किया, लास्ट में भी करता हूँ हमेशा कि आप लोग। शुएब क्या वज़न होगा इसका? इसका तकरीबन 4.5-5 मन। 4.5-5 मन वज़न है इसका, जानवर है भी अपने 4.5-5 के अंदर गई है, कोई मसन निक्का दुक्का है जो कि 3.75-3 मन के, जिस तरह ये खड़ा हुआ है ये होगा 3 मन के करीब, सही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। लाओ जी शुएब अगले का, कि एक मिनट यहाँ पे इस जोड़ी का शो करवा दे शुएब, ये कितने कितने वेट में है दोनों ये खड़े माशाल्लाह, ये भी 4-4 मन में है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बकरे का शो करवा शुएब भी, प्योर मक्खी चीना ब्रीडर है, और पहला बच्चा जो होता है ना पहला बड़ी बड़ी मादियों के पीछे, जो कि मदरसे वाले खुद घरों में रखते हैं हासलपुर वाले,
ये वो चीज़ है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। झालर चेक करें, ब्यूटियाँ ब्यूटियाँ दहा शुएब, झालर घुमा रहा इसकी, कान उठा झालर दहा जैसे पहले कर रहा था, और अभी इसने कान ऊपर को खींचे हुए हैं, ये चेक करें आप लोग माशाल्लाह। तोता फेस है जी, डी फेस, चपटे सींग, ये सींग मुझे पसंद है, बादामी सींग, वाइट आइस, लेंथ चेक करें माशाल्लाह, बहुत कमाल चीज़ यार। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए और इस चीज़ तरह शौक होता रहे, और मैं मुझे तौफीक दे कि आप लोगों को इस तरह की चीज़ों का शौक करवाता रहूँ, ना कि वो काटू माल का कि ढूंढ ढूंढ के बंदा फिर के सिर्फ फिरता जाए, कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं। तो कोशिश करें कि यार अगर शौक करना है तो कोई इक्का दुक्का जानवर अच्छा रखें, उसका शौक करें। बाकी अल्लाह पाक ने जिसको तौफीक दी है, मैं कहता तो सबको मुझे अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक दी है मैंने भी उतनी रखी है, तौफीक की बात है, उस रब की रजा की बात है कि रब जिसको जितने में रखे उतने में वो खुश रहता है। तो शेब जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और माशाल्लाह एक नज़र बैठे बकरे आपको सारे दहा दूँ, और कोई भाई इसमें चीज़ नहीं ऐसी, ये देखें कि ये चेक करें, सादा पानी है, कोई शक्कर वाला, कोई बेसन वाला, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी शक्कर पियाओ बेसन पियाओ ठंडे रहेंगे, खिदमतें होती हैं फिर जाके जानवर बनते हैं, ये वो जानवर लेके आया जो ये कहता था मेरे पास 47 में है, वही है भाई 47 वाला माशाल्लाह जानवर है। चीज़ चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त शेप की हाइट से, और बिल्कुल इक्का दुक्का सा फ़र्क रह गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह शेबिया बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत प्यारा जानवर, अल्लाह पाक नजर पास से ठीक है शेब छोड़ दे माशाल्लाह, सबसे बड़ से एक से बढ़कर एक है भाई, जो उन सब मर्जी उठा लो यहाँ पे, ये ना कहोगे कि बहुत हल्के, मैं कहता हूँ कोई इक्का दुक्का इसमें है जो हल्के नज़र आ रहे हैं और अभी उस तरह तैयारी तक नहीं पहुँच पाए, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह के मनों के हिसाब से जो है ना मनों के वो इनके पास हैं, और वो लेट जो इनकी तैयारी में आए हैं वो हैं, और बाकी कोई ये माशाल्लाह ये चेक करें, कोई जानवर ऐसा नहीं जो खुद ब खुद चल के अपने खाने की तरफ ना जाता हो या अपने पानी को पीने की तरफ ना जाता हो, बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे। और ये शेर है एक निकाली यार, इसका भी शौक करवा दे एक मरतबा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। ये कितने मन में है जी? साढ़े चार पाँच मन, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जी, कमाल। शेरे का शौक करा जी, फिर वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे हैं फरहान भाई, उनको भी हमने शेरा एक दिया हुआ है, इंशाल्लाह जाएंगे उनके घर भी, उनका भी शौक कराएंगे। पिछले साल माशाल्लाह उन्होंने बड़ा शौक किया था, इस साल जो है नॉर्मल सा शौक किया है, 4-5-10 जानवर ही हैं, पिछले साल माशाल्लाह 22-25 जानवर थे उनके पास। तो चीज़ चेक करें, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, अन करीब जो है उनके पास हाजिर होंगे। जी क्या डिमांड है इसकी? वैसे इस एक की डिमांड बता दो बस, ओनली वन, एक की पूछी है, वो भी इसलिए कि एक दोस्त को बड़ा पसंद है। 3.5 लाख तो कहाँ तक मोहब्बत हो जाएगी इसमें? कॉल पर हो जाएगा, ठीक हो गया। लें जी इफरान भाई, अगर ये शेरा भी पसंद आए तो आप कॉल पे कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।